7778 ए ड्रीम स्कोर फॉर ए आई एल स्टूडेंट। सो जितना बड़ा स्कोर है उतना ही बड़ा इसका प्लान भी होना चाहिए। सो आज की वीडियो जो कि मैंने बहुत रिसर्च और एनालाइज करके बनाई है कुछ बच्चों के जिनके हमारे आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा भी हमारे 7778 काफ़ी आए हैं, लेकिन कई बच्चों के जिनके 2 में 7, 1 में 8, 1 में 6.5 रह जाते हैं, और कई बच्चों के जिनके आए हैं उनसे डाटा इकट्ठा करके एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार किया है। डे बाय डे लिसनिंग कैसे करनी है, रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग कैसे करनी है, कितने दिन कौन सा क्वेश्चन टाइप करना है, वो एक बड़ा ही अच्छा स्टडी प्लान मैंने तैयार किया है जो कि आपकी हेल्प करेगा 7778 बैंड स्कोर लेने में। और मैं 100% श्योर हूँ जो भी बच्चा इसको फॉलो करेगा उसके बैंड आएंगे ही आएंगे। मेहनत आपकी है, आइडिया मेरा है, अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने के सीरियस हो अपने इस ड्रीम स्कोर के लिए। सो इस चीज को फॉलो करें और बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रो में बता चुका है बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है, 30 डेज प्लान टू गेट 7778। ओके सो मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सीधा वीडियो पे आता हूँ। मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा भी रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग में कितने डेज क्या करना है, कितने डेज क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ से करना है, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो बिल्कुल एंड तक देखना। ओके तो देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ बता दूँ, ठीक है। देखो भी आपको बताइए जैसे आइल्स में अपने पास रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग होगी। अब अगर कोई भी बच्चा है जिसको जिसकी ये रिक्वायरमेंट है इस स्कोर की, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो 8 स्कोर है वो लिसनिंग में ले सकता है, ठीक है। लेने को तो राइटिंग में भी आ सकता है, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ भी ज़्यादा स्कोर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लिसनिंग में आ सकता है। तो अगर लिसनिंग में 8 और बाकी में 7, तो मैं इस हिसाब से चलूँगा भी रीडिंग में 7, राइटिंग में 7, स्पीकिंग में 7 और लिसनिंग में 8, ठीक है। इस हिसाब से ये सारा प्लान बना है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा ऐसी है। लेने को आप सब में 8 ले लो, 9 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिसनिंग जैसे कि रीडिंग में अगर आपने 7 लेने हैं तो आपका स्कोर 31+ होना चाहिए, 32, 33 या 34 के अराउंड होना चाहिए, है ना। तो 8 का मतलब है भी आपका स्कोर 35-36 के करीब होना चाहिए, और राइटिंग में 7 और स्पीकिंग में 7 उनका क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा लिसनिंग की। ओके भी लिसनिंग में आपने 35+ कैसे जाना है। ओके सो ये है अपना टारगेट। ओके ये टारगेट है अपना, और लिसनिंग में 8 कैसे देने हैं। सबसे पहले आप देखो मैं आपको बताऊँगा लिसनिंग में जैसे 4 पार्ट हैं, Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4। हर एक चीज़ बताऊंगा कितने दिन कौन सी किसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले Part 1 में ज़्यादातर आपके फिलअप्स आते हैं, फिलअप्स 1 word या 2 word। ओके Part 2 में आपके पास आएंगे MCQs आएंगे, या आपके पास मैप आएगा, या दोनों का मिक्सचर आएगा। Part 3 में MCQs आते हैं, ठीक है। MCQs में कौन से, लॉन्ग टेल वाले। ओके और क्या आता है, और इसमें आता है आपके मैचिंग्स भी आ सकती हैं। और Part 4 में 100% श्योर है फिलअप्स आएंगे, और वो भी 1 word। तो ये एक लिसनिंग का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हर एक में 10 क्वेश्चन इसमें हैं, 10 इसमें हैं। अब आपने करना क्या है, आपका प्लान क्या है। प्लान में मैं ये बताऊंगा भी आपको जो आपके Part 1 के फिलअप्स हैं ना, Part 1 के फिलअप्स, इसके लिए आप क्या करो, आप एक लिसनिंग्स उठा लो, कोई भी चाहे फोटोस्टेट कर लो, कुछ भी लिसनिंग्स उठाओ, और पहले तीन से चार डेज जस्ट आपने Part 1 की प्रैक्टिस करनी है, जस्ट ओनली Part 1। कितने दिन, 3 से 4 दिन, ठीक है। इन 3 से 4 दिन में आपने क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, इस 3 से 4 दिन में आपने एक तो अपनी स्पेलिंग्स की इम्प्रूवमेंट लानी है भी। अगर आपको पता चलेगा भी Part 1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्पेलिंग्स है ना वो रिपीट होती हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ना मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन द आइल्स लिसनिंग, तो सबसे ऊपर आपकी आई थिंक आइल्स
राइटिंग नाइन आइल्स अप के नाम से साइट होगी, वो खुल जाएगी, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो आपको ना 200 से 300 स्पेलिंग्स मिलेंगी, उन स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ लो क्योंकि वो ही रिपीट हो रही हैं। तो आपने पहले 3 से 4 दिन इन तीन पार्ट्स को तो देखना ही नहीं है, जस्ट आपने अपने फोकस करना है पार्ट वन पे, लिसनिंग की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है, अब आपने जब 3 से 4 दिन आपके हो गए तब आपने करना है पार्ट टू। पार्ट टू, पार्ट टू में आप देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैप। देखो मैप में क्या रहता है, मैप मैप एक ऐसा टाइप है जिसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आपके इस पर डिपेंड कर रहे हैं, 7 से 8 ईजली 7 से 8 क्वेश्चंस जाएंगे। तो इस मैप को आपने कम से कम 5 डेज देने हैं, कम से कम 5 डेज देने हैं। वैसे ही आप मैप्स निकालो, ऑनलाइन जाओ मैप्स निकालो और देखो भी डायरेक्शंस को वो कैसे कैसे बोल रहे हैं, कैसे वो लाइक कई बार वो डायरेक्शन के हिसाब से बोल देते हैं, कई बार वो बोल देते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग, कई बार वो अपने नेक्स्ट किसको बोलते हैं, बिसाइड किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करो और मैप को अच्छे से एनालाइज करो। 5 डेज आपको मैप के लिए दिए। और पार्ट वन का जो दूसरा पार्ट है आपका MCQs जो शॉर्ट वाले आते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं, इसको आप 2 डेज दो, 2 दिन इसको दो, ठीक है। फिर 5 दिन आपने मैप को देने हैं, 2 दिन आपने पार्ट टू के MCQs को देने हैं, ठीक है। अब आपके 3, 2, 7 और 4 लगा लो इसके 11, तो आपके अभी 11 डेज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपका आता है पार्ट नंबर 3, MCQs जो कि लॉन्ग टेल वाले MCQs, लॉन्ग टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे MCQs होते हैं और लॉन्ग टेल वाले आते हैं, तो इसको आपने 1 वीक देना ही पड़ेगा, कम से कम 1 वीक दो, क्योंकि इस चीज़ पे आपका बहुत लिसनिंग आपकी सारी इस पे डिपेंड है, क्योंकि इसी में ही गलतियाँ होती हैं। आप उसको एनालाइज करो, डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो आपको कहेंगे कि सॉरी बोलकर, बट बोलकर, हाउएवर बोलकर, वो अपना आंसर कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं। क्यूज़ देखो भी, ऑप्शंस तो सारे बोल रहे हैं लेकिन वही आंसर क्यों आया, वो चीज़ एनालाइज करो। सिर्फ पार्ट 3 लगाओ, 1 वीक पूरा पार्ट 3 पे लगा लो, अच्छे से लगा लो अपनी, और मैं आपको बताऊंगा भी कितनी कितनी करनी है। अब देखो जब आप पार्ट 1 को करोगे ना, एक दिन में लगभग 3 लिसनिंग्स के आपने पार्ट 1 करने, उसी तरीके से 3 लिसनिंग्स के मैप एक दिन में, 5 दिन ऐसे करने, उसी तरीके से MCQs भी, उसी तरीके से लॉन्ग टेल भी, 3 लिसनिंग्स के पार्ट 3 आपने 1 वीक करने हैं, ठीक है। तो आपके डेज हो गए 18 डेज। तो लास्ट जो पार्ट है आपका पार्ट नंबर 4, फिलप्स, इसमें वो थोड़ी सी आपकी लिसनिंग तेज़ हो जाती है, लेकिन ये बहुत इजी पार्ट है और इसमें 10 में से 10 आपको लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपको 5 डेज निकालने, 5 डेज इसके लिए निकालो, तो आपके टोटल डेज हो गए 23 डेज आपने कर ली इंडिविजुअल प्रैक्टिस, 23 डेज आपने कर ली इंडिविजुअल प्रैक्टिस। अब करना क्या है, देखो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, देखो जो फिलअप्स हैं, एक तो पार्ट फर्स्ट के फिलअप्स और पार्ट फोर्थ के फिलअप्स, 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, इसमें से आप ऐसी प्रैक्टिस करो फिलअप्स की भी आपका एक भी रॉन्ग ना हो, मतलब इसमें से तो आपने 20 के 20 लेने ही पड़ेंगे। और उसके बाद पॉसिबिलिटी रहेगी भी इस चीज़ में, जो आपका पार्ट थर्ड है इसमें आपके 2 या 3 आंसर्स गलत हो सकते हैं, अगर इसमें आपके 2 या 3 गए तो आपके 23 रह जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग हो सकते हैं, सो आप 35+ ऐसे जा सकते हो। ये तो रही 23 डेज यहाँ से। अब आपका जो 1 वीक बचा है लास्ट में, तो उस वीक में आपने प्रॉपर कंप्लीट लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट वीक। अब आप सारे पार्ट्स करोगे डेली, 3 लिसनिंग्स डेली, ओके। तो लिसनिंग का क्राइटेरिया आपके पास ये रहेगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पार्ट वन 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 दिन लगाओगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखोगे, जो आपको मैंने वेबसाइट बताई है वहाँ से स्पेलिंग्स को देख लेना। पार्ट टू 5 डेज आपके मैप के चलेंगे, 2 डेज MCQs के, और 1 वीक चलेगा थर्ड पार्ट में, और 5 डेज चलेंगे लास्ट पार्ट में, टोटल 23 डेज। और लास्ट का जो कंप्लीट वीक है, कंप्लीट लिसनिंग करनी है और डेली की 3 लिसनिंग। ऐसा कर लिया तो मेरे पास आके लिखवा लेना, आपका स्कोर 35+ ना जाए तो तब बताना, लेकिन इंडिविजुअल स्पीकिंग इतनी इतनी 3-3 4-4 लिसनिंग करनी पड़ेगी तभी आएगा,
ठीक है, तो ये थी लिसनिंग की बात। अब बात करते हैं रीडिंग की। ओके, रीडिंग में क्या है, तीन पैसेज आगे, पैसेज वन, पैसेज टू, पैसेज थ्री। तो रीडिंग में पॉसिबिलिटी है, अगर आपने सेवन बैंड लेने हैं मतलब आपको मार्क्स चाहिए 31-32 के करीब। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हेडिंग्स, तकरीबन 7-8 हेडिंग्स आएंगी। उसके बाद आपके हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या फिर आपके यस नो नॉट गिवन, वही तकरीबन 11-13 क्वेश्चन ये आएंगे। उसके बाद आपके फिलअप्स 11-13 ये आएंगे। देन MCQs 4-5, देन मैचिंग्स 4-5 ही आएंगे। अब इसमें क्या है, ये देखो कितने हो गए, मान लो इसके 7 हैं, इसके 12, 19 और 12, 31 और 9, हाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये चीज़ मैंने बताई है, ठीक है, इसमें आप पैसेज वाइज नहीं चलोगे, इसमें आप क्वेश्चन टाइप वाइज चलोगे। अब जैसे पहले दिन आपने उधर से पहले ही लिसनिंग में तो आपने पार्ट वन उठाना है, और इधर से आपने पहले दिन उठानी है लिसनिंग की हेडिंग्स, लिसनिंग की हेडिंग। वही वेबसाइट खोलो आइल्स अप, उसमें प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाके ओनली हेडिंग्स खोल लो, सिर्फ एक पैसेज मिलेगा साथ में हेडिंग्स मिलेगी, उसमें प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपने सिर्फ हेडिंग्स करनी है 5 डेज, ओनली हेडिंग्स करनी है। आप करना क्या है, देखो हेडिंग्स भी तीन करनी पड़ेगी, तीन टाइम हेडिंग्स करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, मान लो पहला आपने हेडिंग्स देखा, सिर्फ पैसेज पढ़ना है, उसको समझना है, आंसर नहीं ढूंढने, सिर्फ समझना है, उसके बाद आंसर ढूंढने हैं, उसके बाद आंसर्स को करना है वेरीफाई। ठीक है, तो ऐसे आपने हेडिंग्स करनी है, पहले 5 दिन आपने जस्ट हेडिंग करनी है, सेम वे के साथ 5 दिन ये, 5 दिन ये, ठीक है, ये 5 दिन आपने, ये 15 दिन आपने इन तीनों पे लगाने, 5 डेज 3 टाइम्स ये चीज़ें करनी है, सिर्फ इंडिविजुअल, वैसे ही जैसे उसमें उधर से निकालने हैं लिसनिंग से एक सेक्शन, इधर से हेडिंग्स का एक सेक्शन। ठीक है, ऐसे आपने एक अपना टाइम टेबल सेट कर लेना, ठीक है, 5 डेज ये निकालो, उसके बाद इन दोनों को आपने 5 डेज इंडिविजुअल देने हैं, इन दोनों को 5 डेज अलग से देने हैं, मतलब आपके ऐसे 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है, 5 डेज हेडिंग्स को, 5 डेज ट्रू फॉल्स को, 5 डेज फिलअप्स को, और 5 डेज इन दोनों सेक्शंस को अपने MCQs और मैचिंग्स को, मतलब 20 डेज का एक कंप्लीट रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी 20 डेज में। उसके बाद जो आपके लास्ट वाले 10 डेज बचते हैं, उनका आपने कैसे देखना है, देखो जो लास्ट वाले 10 डेज बच गए, अब आपने वो चीज़ जब आप दोबारा कंप्लीट करोगे ना अपनी रीडिंग, तो आपने ये एनालाइज़ करना है भी मेरे को प्रॉब्लम किस में आ रही है, मेरे को प्रॉब्लम किस में आ रही है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम इनमें से हेडिंग्स में या ट्रू फॉल्स में आ रही है, उस सेक्शन को उठाना है और उसकी इंडिविजुअली 2 डेज अलग से उसको देने हैं, उसको 2 डेज फिर से अलग से देने हैं, जिस भी सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और लास्ट के 7-8 दिन आपने कंप्लीट लिसनिंग्स, फिर रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग दोबारा से करनी है, कंप्लीट रीडिंग दोबारा से करनी है पूरा एक हफ्ता। ठीक है, और कितनी, 3 रीडिंग्स इन अ डे। देखो अगर आप सीरियस हो तो आप करोगे इतनी रीडिंग, अगर आप सीरियस नहीं हो तो नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसा अगर यार ये, अगर ये ड्रीम स्कोर चाहिए ना, तो भाई हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना किए कुछ नहीं मिलता, अगर करने चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, डिपेंड है बच्चे पे, बच्चे के माइंडसेट पे, ठीक है, बच्चे की मेहनत पे। ढूंढने से तो परमात्मा भी मिल जाता है, ये तो फिर भी आपके 777-8 बैंड स्कोर है। ठीक है, तो ऐसे आपने अपने एक रीडिंग का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, 5-5 डेज ये तीनों इंडिविजुअल, इन दोनों को 5 डेज अलग से, और 3-3 टाइम ये चीज़ें उठानी है, और लास्ट का 1 वीक उठाना है आपने कंप्लीट रीडिंग का, और 2 दिन उसको देने हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ऐसे आपने पता, इसमें एक्यूरेसी देखनी है अपनी, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना भी, हाँ भी मैंने आज मैंने 3 रीडिंग्स कर ली,
उन तीन रीडिंग में सही कितने आए वो देखने हैं, ठीक है। अगर तीन रीडिंग की है, तीन में से अगर आपने 30 क्वेश्चन किए, 30 में से आपके 10 सही आ रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। 30 में से एटलीस्ट आपके 27 26 से 27 सही होंगे, फिर ही रीडिंग में कामयाब होगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इस रीडिंग का प्लान बनाना है। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग बड़ी ही मुश्किल लगती है बच्चों को, बड़ी ईजी है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में आपने क्या करना है, राइटिंग में आपको पता है आपका आता है टास्क वन और टास्क टू। देखो बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चों का माइंडसेट क्या है, ये है 3 बैंड का, ये है 6 बैंड का, 7 बैंड कैसे मिलेंगे इसमें, पहले तो मैं ये बताऊं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगभग अपना जो फोकस है 70% फोकस इस पर डाल देते हैं, इसमें बहुत बच्चे 30-40% फोकस इस पर डालते हैं। मैं कहूँगा ये चीज़ आपकी क्लियर होती है, इस पर फोकस डाला डालो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है, आपको आइडियाज सोचने पड़ते हैं, आपको वोकेबलरी सोचनी पड़ती है, सेंटेंस फॉर्मेशन एट ए टाइम बनानी पड़ती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन टाइप है टास्क वन, इसमें आपके पास सब कुछ दिया हुआ होता है, जस्ट आपने उसको लिखना है, जस्ट उसको देखकर लिखना है, ठीक है। मैं कहता हूँ भी अगर अच्छे से थ्री ये टास्क वन आपने सारे अच्छे से देख लिए ना, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे मेरी रिपीट मेन इसमें रिपीट रेपिटेशन ही होती है, ठीक है। एक लाइन को कितने तरीके से लिखना है वो आप इसमें, यही चीज़ मैटर करती है। अगर ये चीज़ नहीं आती आपको तो हमारे चैनल में जाओ, यहाँ आपको लास्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसमें आप देख सकते हो कि एक लाइन को कितने तरीके से, मतलब सेंटेंस वेरिएशन जो मेन चीज़ है, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर आपने सेंटेंस वेरिएशन सीख ली तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भाई झूठ नहीं मारूंगा, 2.5 बैंड आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपकी रेपिटेशन नहीं हो रही, अगर आपने सीख लिया एक लाइन को कितने तरीके से लिख सकते, अगर इसमें 2.5 बैंड मिल गए ना, अब देखो इस इधर ये 6 बैंड का है, इसमें से अगर आपके 6 में से 4.5 ईजिली दे देते हैं, 6 में से 4.5 आ गए तो 7 बैंड है। अगर इसमें से आपने 6 में से 5 ले लिए तो 7.5 है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको ट्राई करना। अब आपको सिलेबस बताता हूँ। देखो इसमें आपके पास 6 तरीके के चार्ट हैं, ठीक है, पाई, लाइन, बार, टेबल, मैप, प्रोसेस, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज, हर दिन एक टास्क और 3 टाइम्स, ठीक है। पहले दिन 3 पाई चार्ट, दूसरे दिन 3 लाइन ग्राफ, तीसरे दिन 3 बार 3 टेबल 3 मैप 3 प्रोसेस, ठीक है। अभी टास्क टू को निशेड़ना, देन 1 हफ्ता गया, नेक्स्ट डे यहाँ पे आपके आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, रीजन सॉल्यूशन, एग्री डिसएग्री, आपके तकरीबन 7 तरीके के मेन बनते हैं। 7 डेज इसको 3 टाइम्स इन अ डे, ओके। 14 डेज गए, अब नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें दोनों, ठीक है, टास्क वन भी टास्क टू, वन भी टू भी, थर्ड वीक, तीसरे वीक, दोनों को लेकर जाना है, ठीक है। इसमें चाहे आप एक एक बार कर दो, 1 टाइम इन अ डे, चाहे अगर आप ज़्यादा कर सकते हो 2 टाइम्स इन अ डे, अगर दोनों करने हैं, ठीक है, अकेला करना है तो 3 टाइम्स इन अ डे। तो थर्ड वीक आप ऐसे तीन वीक्स आपका ऐसे चलेगा। अब रहेगा आपका लास्ट वीक। अब आप देखो एनालाइज करो आपको किस ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, किस ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको इधर से मैप में आ रही है तो मैप की प्रैक्टिस करो 2 से 3 दिन। अगर आपको इधर से डिस्कस बोथ व्यू में आ रही है, डिस्कस बोथ व्यू की 2 से 3 दिन। जो लास्ट वीक है वो आपने ऐसे यूटिलाइज करना है, एनालाइज करना है अपनी गलतियों को और उसको सुधारना है, ठीक है। तो लास्ट वीक अपने आप को सुधारने में लगाना है अपने राइटिंग में, समझाई। तो ऐसे आपने बैंड डिवाइड कर दिए मैंने, 1 वीक 2nd वीक 3rd वीक और ये लास्ट वीक, ठीक है। ऐसे अपना सिलेबस डिवाइड कर दो, बड़े अच्छे रहोगे। कंप्लीट प्रैक्टिस है ये, कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऐसे आपने कंप्लीट 7 बैंड तक पहुंचना है, तो ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। 3 टाइम्स करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे नहीं आएगा स्कोर, ठीक है। तो ये थी अपनी बात राइटिंग की। नाउ द लास्ट स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग में क्या है, 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 2 बैंड, पार्ट 2 4 बैंड, पार्ट 3 3 बैंड, ओके। तो देखो पार्ट 1 आपकी इंट्रो है,
पार्ट टू आपका क्यू कार्ड है और पार्ट थ्री है आपके फॉलोअप्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं भी, इंट्रो जो रहती है, इंट्रो में ज़्यादातर फाइव टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, फाइव टाइप्स के हो सकते हैं, फाइव से कोई सिक्स आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो फाइव टाइप्स के क्वेश्चन कैसे हैं, एक तो डू यू लाइक वाले, एक आपका ओपन वाला, एक कंपेयर, कंपेयर का मतलब डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, डू यू लाइक टू डू ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग, ऐसे एक जो क्वेश्चन डिड से होते हैं, डिड यू एंजॉय प्लेइंग गेम्स इन योर चाइल्डहुड, एक हैव से, हैव यू एवर ट्राइड टू मेक टी, ऐसे ठीक है। मतलब ये जो पांच टाइप हैं ये आपको मेन कवर करने हैं, ठीक है। लाइक वाले को कैसे कैसे बोल सकते हो, ओपन वाले को, कंपेयर करने वाले को, डिड वाले को, हैव वाले को, तो इसलिए मैं इस पूरे इंट्रो को दे रहा हूँ 5 days, ठीक है। अब आपने वो रट्टे मारने शुरू नहीं करने, मक्कड़ वाले से निकाला और 5 days में इसके रट्टे मारना, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे ना इनकी तैयारी शुरू करो, फिर लाइक वाले को कैसे बोलूँ, ऑफन वाले को, कंपेयर वाले को, डिड वाले को, है वाले को, और देखो वो मक्कड़ वाले में ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन हैं, आपको लगभग 80% कम्प्लीट क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे, 5 days कम्प्लीट इस पे लगाने हैं, एनालाइज करने हैं, ठीक है। उसके बाद करता हूँ मैं पार्ट टू, क्यू कार्ड। क्यू कार्ड मोस्टली जो मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ड हैं वो हैं, एक तो आपके पर्सन पे, पर्सन से रिलेटेड आपको तकरीबन 17 से 18 क्यू कार्ड मिल जाएंगे, प्लेस से, प्लेस से भी आपको 14 से 15 मिल जाएंगे, कोई टाइम से, है ना, टाइम वगैरह से रिलेटेड भी आपको इतने ही मिल सकते हैं, कोई ओकेज़न पे आ सकता है, ठीक है, कोई पार्टी या कैसे वैसे, या फिर कोई इवेंट वगैरह भी आता है भी जब आप किसी ने इवेंट, तो मैक्सिमम प्रपोर्शन 60-70% इसी पे है, तो मैं इस चीज़ को दूंगा 10 days, इसको मैं 10 days दे रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सारे क्यू कार्ड अगर आप पढ़ सकते हो तो एक बार पढ़ लो, रट्टा नहीं मारना, जस्ट आपने आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है, आइडियाज़ लो, 10 days बहुत होते हैं, 80 क्यू कार्ड हैं, एक दिन में 8 भी पढ़ोगे तो 10 days आराम से जाते हैं, एक दिन में ज़्यादा नहीं कह रहा, 8 सिर्फ पढ़ने हैं, याद नहीं करनी, 8 आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, तो 10 दिन में आपके 80 क्यू कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने ऐसे पढ़ने हैं, और फॉलोअप्स, फॉलोअप्स को आप दोगे 5 days, फॉलोअप्स में आपने क्या सीखना है, फॉलोअप्स को एक्सटेंड कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है, फॉलोअप्स में एग्जांपल कैसे डालना है, और आप इसमें उस एग्जांपल कैसे डालना है, एक्सटेंड कैसे डालना है, ये चीज़ें आप करोगे, ठीक है। ये आपका आ गया पूरा, आ गया 5 days, 10 days, 5 days, 20 days का, और इसमें आप क्या देखोगे, आप वीडियोस भी देखोगे जो सैम्पल्स होते हैं यूट्यूब पे, भी 7 band, 8 band की स्पीकिंग कैसी है, वो इन क्वेश्चंस को कैसे बोलते हैं, वो क्यू कार्ड स्टार्ट कैसे करते हैं, ख़त्म कैसे करते हैं, वो फॉलोअप्स को कैसे एक्सटेंड करते हैं, क्या क्या, कौन से सेंटेंस, इफ़ वाले, कंडीशनल, नॉर्मल, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कैसे सेंटेंस लगाते हैं, वो चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो ये तीनों 20 days देने के बाद आप जो 10 days लास्ट जो प्रैक्टिस है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो रमन सर वाली बेबी कोड ऐप है उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस करो, बेबी कोड वाले में, ठीक है, जो बेबी कोड ऐप है उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस करो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा भी हाँ भी आपने इन 20 days में कितना सीखा है, ठीक है। तो 10 days लास्ट या तो बेबी कोड ऐप, नहीं तो अपना कोई फ्रेंड या कोई आपके टीचर तो होंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करो पूरी कंप्लीट, उनको कहो भी मुझे ये नहीं भी आप अकेला क्यू कार्ड सुना कर जा रहे हो, आप अकेले फॉलोअप सुना रहे हो, आप अकेले पार्ट वन ना, कंप्लीट 1, 2, 3 तीनों के तीनों पार्ट सुनोगे, आप तीनों के तीनों पार्ट सुना के जाओगे, ठीक है। उसको वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्यू कार्ड पूछ, ये 10 days कंप्लीट तैयारी करोगे ऐसे, तो ऐसे आपने 30 days इसके स्पीकिंग के कंप्लीट करने। तो अगर मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ भी, अगर आपने ऐसे तरीके से तैयारी कर ली तो आप अपने ड्रीम स्कोर के पास ईजिली पहुँच सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सॉरी, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ करनी, किया है बच्चों ने, कर रहे हैं और करेंगे भी, अगर आप में सीरियसनेस है, आप मेहनत करते हो, आप वो करना चाहते हो, तो ऑब्वियस है भी आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी ये थी अपनी आज की वीडियो, बाकी ऑनलाइन क्लास अगर किसी बच्चे ने लेनी हो 8168321916 या फिर 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, टाइम की, फी की हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी टास्क 2 और टास्क 1 की कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल पे हैं,
IDP के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सिंपल वे के साथ सेट 7 बैंड लिए हैं बच्चों ने, वो आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।